नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को बल करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को ईशान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, है सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। इंस्टेंट डिसीजन लेने के कारण और बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देने के कारण नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए जितना ज़्यादा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेंगे या काम करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपको आपके काम में देखने को मिलेगा। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉइंट तक ये नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, जैसे मन के अंदर अपनी बात को रखना या स्ट्रेंजर व अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी सी हिचकिचाहट घबराहट महसूस करना। अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेते हैं तो उन सारे कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत अच्छे एज ए लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या एज अ टीचर प्रोफेशनली ग्रोथ कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी व्यक्त कर रही हैं, और हल्की हल्की आड़ी रेखा जो रिश्तों में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शा रहा है। लेकिन अंततः सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है तो सारे रिलेशन आप मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं यहाँ पर जो आपके नोट्स हैं डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, इसमें डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स हल्का वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में स्टेमिना एनर्जी हल्के से वीक होते हुए भी देखने को मिलता है, जल्दी थकान होने लगना, हल्का हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज देखने को मिला। तो जब भी फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तो हेल्थ जो है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर परफॉर्म करने वाले देखने को मिलते हैं। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है, जो कि जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शा रहा है, और इस कंडीशन में अपने लिए गए निर्णय से टस से मस नहीं होते, क्योंकि बहुत अड़ियल किस्म का नेचर इस प्रकार का थंब देता है, और जल्दी किसी के सामने झुक भी नहीं पाते। और यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में इंट्यूशन व सिक्स सेंस अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखने जैसे युग निर्मित होते हैं, तब जब बहुत ज़्यादा धार्मिक रहा जाए या दान धर्म किया जाए, तो इससे पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ता है। और जब यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अधिक देखने को मिले सेकंड फैलेंज पे, तो तर्क वितर्क शक्ति अच्छी देखने को मिलती है। बात करेंगे यहाँ पर आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो जो पाम का साइज़ है लंबाई चौड़ाई दोनों में ही तकरीबन अच्छा है, जिसके कारण यह स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। शारीरिक मेहनत हो या मानसिक मेहनत, दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाने में आप जैसे ज़्यादा सक्षम देखने को मिलते हैं। और नीचे का एरिया जब ज़्यादा डेवलप्ड हो तो ये क्रिएटिव माइंडसेट भी देता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, मन मुताबिक काम करना, किसी न किसी प्रकार से अपने काम को और ज़्यादा सुधारना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जुपिटर माउंट आपका थोड़ा दबरा, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ये देता है, हमेशा फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इन रिटर्न सेटिस्फेक्शन रिजल्ट मिल नहीं पाते, जितना एक्सपेक्ट करते उतना फुलफिल नहीं हो पाता है डिज़ायर फैमिली लाइफ के प्रति। आपकी मैरिड लाइफ तब भी बहुत अच्छी रहेगी, रीज़न उसके पीछे ये है कि यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मेशन भी बन रहा है और ट्रायंगल भी यहाँ पर बनता दिख रहा है, तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ हुआ या फैमिली लाइफ, ये कहीं ना कहीं थोड़ी प्रोटेक्टिव होने लगती है मैरिज के बाद में, थोड़ा यहाँ से लाभ मिलने लगता है। लेकिन जब कभी भी जुपिटर माउंट अंदर डेवलप देखने को मिले, तो जितना रिस्पेक्ट वैल्यू करते हैं, जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाता, खासकर फैमिली लाइफ से। दूसरी बात यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो क्रॉस का साइन अवेलेबल है, ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का निशानी होता है। इस कंडीशन में पार्टनर डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल नेचर के देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी, फ्लुएंसी मेरे लाइफ में देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें अगर जॉब के रिगार्डिंग, तो माउंट थोड़ा डेवलप्ड है, जिसके कारण जॉब के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है, क्योंकि आप टीचिंग लाइन से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन ये क्रॉस का साइन आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा देता रहेगा अर्निंग करने के लिए, अपने आप को लाइफ में ग्रोथ करवाने के लिए, तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा
लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। कभी भी आप सीखना बंद मत करिएगा, ये आपका भाग्य बढ़ाएगा। जब आप सीखना बंद कर देंगे ग्रोथ बहुत इमीडिएट आपका रुक जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि प्रोग्रेस लाइन भी है आपके जुपिटर के ऊपर, वो भी माइंड लाइन से निकली हुई, तो बहुत एम्बिशियस नेचर है आपका। आप अपने थिंकिंग डिजायर या ड्रीम से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, यही रीज़न है कि छोटी मोटी चीज़ों से डील करना पसंद ही नहीं करते हैं। लाइफ में सारे इच्छा अरमानों की पूर्ति इस प्रकार के स्क्वायर का साइन या फिर यहाँ जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है ये डेफिनेटली कराता है, क्योंकि ट्रायंगल का साइन चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो लेकिन जब जुपिटर पे होता है तो सम्मान दिलाता है। जहाँ भी जाएंगे जो भी काम करेंगे अपना नाम निश्चित रूप से स्थापित कर पाने में या अपने नाम को बढ़ा पाने में, इज्जत सम्मान प्राप्त कर पाने में, या बड़े लोग जो लोग पावर पोजिशन में हैं उन सभी से अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन मेरिड लाइफ के लिए, चाइल्ड के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको आपके फैमिली नेम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना चाहिए तो आपको जुपिटर रेमेडी परफॉर्म करना चाहिए, इससे आपको और अधिक लाभ देखने को मिलेगा। सैटर्न की स्थिति पर सिंपल एक लाइन अवेलेबल है और ये जब इस प्रकार की एकदम स्ट्रेट लाइन होती है तो इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। तो इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर देखने को मिलते हैं और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, जिसके तहत जीवन में कभी किसी प्रकार के काम की, धन की, अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी होती नहीं है और लाइफ में हर चीज़ से सेटिस्फेक्शन 100% मिलता है। अब जो आपका लक लाइन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, पूरा फेल करके चल रहा है और ये स्टार्ट भी हुआ है लाइफ लाइन से, तो पहले आपको हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जूझना यानी भागा दौड़ी करना पड़ेगा क्योंकि आपका लक लाइन फेल करके चल रहा है, लेकिन आपका भाग्य खुद के मेहनत से ही स्थापित होगा। दूसरी इसमें जो लक लाइन आकर के ऐड हुई है वो मून से हुई है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन लव मैरिज मोस्ट प्रोबेबली करा देते हैं, और लव मैरिज ना भी हो तो भी मैरिज के बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा सुटेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी, लक ये सब इन्हेंस होने वाला रहता है और ये पीरियड आपके जीवन में आने वाला है, मात्र 32 और 33 का ये पीरियड रहने वाला है। तो इस पीरियड में जो है आपके लक में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, आप खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग इन दोनों कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मून बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले प्रेम दुलार पर सहयोग को भी दर्शाता है, तो स्पाउस का लक भी इसमें ऐड होता है। तो ये रेखा धीरे धीरे और स्ट्रांग होती जा रही है, माइंड लाइन पर आते से ही और ज़्यादा ये पोजीशन में स्ट्रांग होती जा रही है और फिर हार्ट लाइन में और पोजीशन में आ रही है। तो जब माइंड लाइन पे या हार्ट लाइन में लक लाइन और स्ट्रांग होने लगता है तो इसका मतलब ये है कि पहले कोई भी काम आप अपने लाइफ में करेंगे, आपका इवन स्टार्टिंग लाइफ भी जो रहा यानी बचपन, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहा, बहुत ज़्यादा संघर्षों से जूझना पड़ा आपको। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ग्रोथ, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस या एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन, ये सभी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। तो बस आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना है, ये सबसे मेन आपका लक की है। अगर कंसिस्टेंसी आपने किसी भी काम में रखा तो उस क्षेत्र के, उस काम के आप सबसे ज़्यादा माहिर हो जाएंगे और उस काम से बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, क्योंकि आपके सूर्य पे भी सिर्फ एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन है और हल्का सा क्रॉस है। तो इस कंडीशन में बार बार ध्यान भटकने के योग निर्मित होते हैं, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। क्रॉस का साइन होता है तो हमेशा जॉब के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भावना, जो जुपिटर पर माउंट जो अंडर डेवलप्ड है वो भी देता है। इस कंडीशन में हमेशा ऐसा लगता है कि क्या मालूम कब हाथ से कुछ अपॉर्चुनिटी फिसल जाए या फिर जॉब ये परमानेंट है या नहीं है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, तो इन सबको लेकर के अनसर्टेनिटीज ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आप जुपिटर रेमेडी तो परफॉर्म करेंगे ही, सन को भी परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद पिता से भी जो भी रिलेशन में हल्का फुल्का तकलीफ है वो सब भी खत्म होगा। प्रॉपर क्रेडिट हर काम का घर परिवार में मिलने लगेगा, प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट सक्सेस मिलने लगेगा, एक्सपेक्टेड गेन्स मिलने लगेंगे, क्योंकि जब हल्के फुल्के भी क्रॉसेस के साइन होते तो जितना उम्मीद रखते उससे कम ही सफलता देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ठीक होने लगेंगे। आपकी हथेली में लक लाइन वाकई बहुत स्ट्रांग है और आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको बच्चों से भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, हर काम से संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि जो डिलीवरी हो रही है लक की वो प्योर सैटर्न माउंट के एंड में हो रही है। तो इस कंडीशन में डेस्टिनी तक पहुंचते हैं, जो काम शुरू करते उसका प्रॉपर एंडिंग होता है। तो ये कॉम्बिनेशन लक के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको यूनिवर्सल हेल्प भी मिलेगा। जब जब आपका इंटरेस्ट किसी काम से खत्म होने लगेगा या ऐसा लगने लगेगा कि हाथ से ही मौका गया, या जब आप उम्मीद हारने लगेंगे तभी आपके काम फ्लुएंट बनना शुरू भी हो जाएगा। तो आपके काम सही ढंग से सही समय पर हो, इसलिए जुपिटर सन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। बीच की इस रेखा को कहते हैं विद्या रेखा, तो इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और जब आउटर
मार्स से कनेक्टेड होकर के रेखाएं निकलना शुरू होती है, तो इस कंडीशन में जीवन में पराक्रम तो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा आप जैसे आज तक डेडिकेटेड भी होते हैं अपने काम के प्रति और खुद के दम पर नाम इज्जत कमाते हैं विदाउट एनी हेल्प। तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में रिस्पेक्ट तो आपको बहुत अच्छा देगा। और बीच में बहुत सारी रेखाएं भी जाने लग रही हैं बुध और सूर्य के, तो इस कंडीशन को कहते हैं यशस्वी योग। और इस कंडीशन में खुद के दम पर अपना घर बना पाने में या संघर्ष के बाद जीवन में सफल हो पाने में, नाम इज्जत शोहरत कमा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। बुधादित्य योग का निर्माण करता है तो बुद्धिमत्ता तीव्र होती है अर्थात सीखने समझने की सक्षमता अच्छी देखने को मिलता है। वहीं जो आपका बुध पर्वत है वहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने लगता है। पहले आपको स्टेज फियर डेफिनेटली था लेकिन ये धीरे धीरे आपको ओवरकम इन सारी चीज़ों से करेगा क्योंकि मर्करी माउंट जब मल्टीपल पॉजिटिव साइंस के साथ अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा ये व्यक्ति को हीलर बना देता है। कम्युनिकेशन से अपने एटीट्यूड पर्सनैलिटी से किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति डिमोटिवेटेड है उसको मोटिवेट करना, अपने बातों से किसी को प्रेरित प्रभावित आकर्षित कर लेने जैसी सक्षमता इस प्रकार का मर्करी देता है। तो ये कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन में भी बहुत लाभ देता है। और ओवरऑल देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी सिंपैथी इन सारे चीज़ों में भी ये माहिर बना देता है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाह करके भी अगर कोई बिजनेस करना चाहें या ना चाहें लेकिन कहीं ना कहीं यह बिजनेस में आपको इन्वॉल्व करेगा, बिजनेस में सक्सेस देगा, तो इस कंडीशन में आप डेफिनेटली बिजनेस में ट्राई करिए। कोई भी बिजनेस इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। हृदय रेखा के अंत में जब गोपुज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। आप लंबे समय तक दुखी रह ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को निर्मित करता है। और आपकी हृदय रेखा एक ब्रेक ले रही है सैटर्न पर, तो थोड़ा सा आपका नेचर जो है हिडन है, अपने मन की पूरी बात बताने में थोड़ा पहले आप रुकते हैं तब जा करके पूरा अपने मन की बात किसी को बताएंगे, एक बार में नहीं बताएंगे क्योंकि जब हार्ट लाइन रुक के चलती है तो ये ट्रस्ट इशू बिल्ड कर देता है। बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं होता और अगर किसी पर ट्रस्ट हो गया तो बहुत जल्दी फिर टूटता भी नहीं है क्योंकि आपका नेचर इमोशनल है। तो इस कंडीशन में इमोशनल जल्दी अटैच हो जाने के चांसेस या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखने के चांसेस, इमोशनल एक प्रकार से फूल होने के चांसेस भी यह क्रिएट कर देता है। हालांकि आपकी एक रेखा सीधे जा रही है तो ये प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा, वर्कोहोलिक नेचर रहेगा। इस कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आप अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे किसी भी प्रकार के काम में तब तक आपकी लाइफ बहुत फ्लुएंट चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। जहाँ आप खाली बैठे या जहाँ थोड़ी बहुत बेकार की बातें हुई या इमोशनल कोई भी आपने डिसीजन लेना शुरू किया, इमोशनल रिएक्ट करना शुरू किया या इमोशंस को तवज्जो कहीं भी आपने ज़्यादा दिया तो कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स प्रॉब्लम और बार बार जो है एक प्रकार से ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि बार बार अपने निर्णयों में फिर जो है परिवर्तन करना पड़ता है। मूड स्विंग में यही रहता है कि फोकस फिर बहुत कम होने लगता है, बार बार ध्यान भटकने के योग भी यहीं से निर्मित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड रखेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कहीं भी नहीं रखेंगे तो इस कंडीशन में आपके रिलेशन भी अच्छे बिल्ड रहेंगे और आपका काम भी बहुत फ्लुएंट चलेगा और आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, धार्मिक इंसान हैं और इस कंडीशन में बुरा चाह करके भी किसी का नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है लाभ में हमेशा रहेगा। आपका जो माइंड लाइन है पूरा स्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, तकरीबन 22 के एज तक, खासकर क्योंकि उस समय लाइफ लाइन भी स्टेबल नहीं चल रहा है तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी इश्यूज, फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिले और माइंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता रहा 21 के एज तक। एक आइलैंड भी दिख रहा है जो उम्र 8 से लेकर के तकरीबन 14 के बीच में बिल्ड है और इस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुआ मंगल से, तो इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी रिएक्ट करना, हड़बड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलना, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाना, रिजल्ट जो भी है अभी के अभी देखने जैसी आदत को ये बिल्ड करता है। लेकिन इसने आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसीलिए लाइफ में क्या हो गया कि पहले ही आपने इतना कुछ देख रखा है तो लाइफ में और कुछ देखना वैसे मेनली बच नहीं गया, इसीलिए माइंड लाइन बहुत ही स्ट्रांगली आपकी चल रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप बाकी चीज़ों से लाइफ में ज़्यादा अफेक्ट अब नहीं होंगे। बाकी चीज़ें जैसे छोटे मोटे इश्यूज़ जो लाइफ में चलते रहते हैं, छोटे मोटे ट्रबल्स, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट आप नहीं रहेंगे। और इस कंडीशन में बहुत सारी रेखाएं आपके ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो इस ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छे डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हुए देखने को मिलते हैं, बिजनेस माइंडेड ये बनाता है और सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है।
सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होने के कारण तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहते। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अर्निंग कैपेबिलिटी नॉलेज इन सभी चीज़ों को इंक्रीज करने लगता है और आपका जो माइंड लाइन है वो थोड़ा डिक्लाइन भी है तो हल्का सा रिसर्चिंग नेचर भी रहेगा लेकिन बायफोर के साइन बहुत अच्छे हैं। आगे चल करके खुद का इंट्यूशन भी आप खोल सकते हैं तब जब आपका सूर्य व जुपिटर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा हो। बाकी माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रांग है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा और मेंटल जो है स्टेबिलिटी आपके अराउंड 24 के एज से आना शुरू हुआ है और काम का लोड जो है एकाएक जीवन में आपके बढ़ता दिख रहा है 30 से लेकर के तकरीबन 35 के बीच में, क्योंकि उस समय एक हल्की सी राहु रेखा काट के गई है तो इस समय इल्यूजन ज़्यादा रहेगा, थोड़ा भाग दौड़ी ज़्यादा रहेगा खासकर 31 से 33 के एज के बीच में। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम हल्की फुल्की भी माइंड लाइन में नहीं है। लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो भी 23 के बाद में स्ट्रांग होता दिख रहा है और ये मिडिल ऑफ द पाम आया है जिसके कारण ये करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बनाता है, करियर फैमिली दोनों को एक समान तवज्जो देने वाले रहते हैं और आपको तकरीबन यहाँ 32 के पहले तक ज़्यादा हेल्प किसी का मिला नहीं। 32 के बाद से बहुत सारी गार्जियन एंजल लाइन क्रिएट हो रही है जिसके अंतर्गत स्पाउस का बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलने लगेगा जिससे स्ट्रेस वरीज खत्म होगा, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जितनी भी हल्की फुल्की रेखाएं आ रही हैं सब के सब हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज दे सकती हैं। हालांकि आपके हथेली में सपोर्टिव लाइन भी है, मरकरी लाइन भी है जो हेल्थ को इम्प्रूव करता है लेकिन इंटरनल मार्स वीक है इसीलिए इसके ऊपर काम करें तो इन फ्यूचर ये सब छोटी मोटी जो रेखाएं हैं इन सबका ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं रहेगा। इंटरनल मार्स जब वीक होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक हस्ट पुष्ट तो दिखते हैं लेकिन इंटरनल इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते, बहुत जल्दी वायरल हो जाने के चांसेस, बहुत जल्दी थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाने के चांसेस ये बिल्ड कर देता है इसीलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। आउटर मार्स डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग है और यही रीज़न है कि आपके अंदर करेज बहुत अच्छा है, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, हर मुसीबत परेशानी का सामना डट करके करते हैं और इस कंडीशन में जुनूनियत बहुत अच्छी होता है। शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा विकसित है जिसके कारण यह प्योर लग्जरियस लाइफ देता है, आपकी मैरिड लाइफ ऐसा शुक्र बहुत अच्छी देगा। हालांकि शुक्र पर भी आपकी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा ही है जिसके कारण आप हमेशा फैमिली लाइफ के टेंशन या फैमिली लाइफ में किसी न किसी मेंबर के द्वारा हल्का फुल्का स्ट्रेस में रह सकते हैं लेकिन ये सारी रेखाएं लाइफ लाइन को ज़्यादा टच नहीं कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मैरिड लाइफ को बहुत स्टेबल रख पाएंगे। आपका जुपिटर पे भी बहुत पॉजिटिव साइंस थे तो जैसे जुपिटर अच्छा रिएक्ट कर जाए, शुक्र अच्छा रिएक्ट कर जाए तो मैरिड लाइफ एकदम स्टेबल स्मूथ हो जाती है, बेनिफिट्स मिलने लगते हैं, अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। शुक्र हमारा लग्जरीज रॉयल्टी व स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी कारक है तो जीवन में धन धान्य से संपन्न होने के साथ साथ तमाम तरह के सुख साधन जीवन में मौजूद होते हुए देखने को मिलते हैं और सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति ऐसा शुक्र करता है। बस आप अपने ओवर थिंकिंग पर ध्यान रखिएगा कि नेगेटिविटी आपके अंदर किसी भी तरह से ना आए, रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल कभी भी ना बने या घरेलू जो थोड़े बहुत तकलीफ है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर ना चलें तो शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्ट कर पाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके चंद्र के क्षेत्र से भी कनेक्शन आ रहा है तो आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहने वाला है, खानपान का बहुत शौक रहेगा, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने का, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का ट्राई करने का, ये सारे कॉम्बिनेशन चंद्र देता है। चंद्र क्रिएटिविटी मेनली देता है और चंद्र आपका डेवलप भी अच्छा है तो आपके अंदर सोचने समझने की सक्षमता, काल्पनिकता, इन्वेंट कोई चीज़ करने की सक्षमता बहुत अच्छी है देगा और जितनी भी रेखा निकली हुई है ये सब मन के लायक होने वाले काम को भी इंडिकेट करता है तो आप अपने मन का सारा सुनेंगे, सारा आपका मन का हो भी पाएगा और सूर्य की रेखा बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी कर रही है माइंड लाइन से तो मोस्ट प्रोबेबली 35 के तक आते आते आपको बहुत अच्छा नेम रिस्पेक्ट लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी फिलहाल मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है तो पैसा तो जीवन में है लेकिन रुकने नहीं वाला है, आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे आपके लक लाइन के बारे में तो यहाँ पर आप भी आपका जो मरकरी लाइन है वो डेवलप अच्छा है, मरकरी लाइन स्किल्स को डेवलप करता है इसीलिए टीचिंग लाइन में बहुत ग्रोथ ही दिलवा देता है और यहाँ से रेखा निकल के जुपिटर पे जा रही है तो इस कंडीशन में भी बड़ा पद प्रतिष्ठा मिलने के योग निर्मित होते हैं और ये रेखा स्ट्रांग कब से हो रही है, यही 35 के एज से ही, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। सूर्य की स्थिति भी वैसे ठीक है, माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है तो थोड़ा डीप थिंकर यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।